हाय गाइस, हाउ आर यू? ऑल फाइन? तो हम लोग स्टडी कर रहे थे पी ब्लॉक एलिमेंट्स की, और उसमें ग्रुप 15 हम लोग का स्टार्ट हो गया है। इसके मैं आप लोग को काफ़ी छोटे छोटे वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, और इसी कैटेगरी में ग्रुप 15 में हम लोग स्टडी कर रहे थे नाइट्रोजन के कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स की, जिसमें लास्ट में हम लोगों ने जो लास्ट वीडियो था उसमें नाइट्रिक एसिड ओवर किया था। अब हम लोगों को पढ़ना है नाइट्रोजन के ऑक्साइड। तो नाइट्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके फाइव डिफरेंट टाइप के ऑक्साइड फॉर्म करता है, जिसमें उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 से लेके +5 तक है। ठीक है, तो वो डिफरेंट टाइप के ऑक्साइड्स क्या हैं, कैसे प्रिपेयर होते हैं, उनका लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्या है, उसकी बॉन्डिंग क्या होती है, ये सब हम लोग आज स्टडी करने वाले हैं। और इसके बाद जो ग्रुप 15 का सेकेंड एलिमेंट है फॉस्फोरस, उसकी स्टडी हम लोग करेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, इट इज ऑल्सो नोन एज नाइट्रोजन, रोमन में 1 लिखेंगे, जो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है 1 ऑक्साइड। उसके बाद इसकी अगर हम लोग स्ट्रक्चर की बात करें, लुईस डॉट स्ट्रक्चर इसका हम बनाते हैं। N2O, तो N2 का ये 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म में मिलेगा हम लोग को, ये कुछ इस तरह से। तो हम लोगों को पता है कि नाइट्रोजन के पास कितने होते हैं, 5, 1, 2। जब भी ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन का सिंगल बॉन्ड है, तो मतलब इसका मतलब है कि वो सारे इलेक्ट्रॉन जो भी बॉन्ड में फॉर्म कर रहे हैं उसने किसी ने भी पार्टिसिपेट नहीं किया है, और जो भी यहाँ पर बॉन्डिंग हो रही है उसमें नाइट्रोजन ही पार्टिसिपेट करेगा। तो मैं इसको क्रॉस से दिखा देती हूँ, ये कुछ इस तरह से, और बाकी ये 1, 2, 3, 4, 5। इसके बाद इसको हम लोग देख लेते हैं, तो यहाँ पर भी वही चीज़ होगी, ये दोनों ही इस तरह से नाइट्रोजन के ही होंगे। और अब इसके पास रह गए 1, 2, 3, 4, 5। अच्छा, इसको क्रॉस से दिखा रही हूँ मैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, और यहाँ पर ये इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5। ओके, तो हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन की। इसमें पहला जो ऑक्साइड है वो नाइट्रस ऑक्साइड है, इसको नाइट्रोजन 1 ऑक्साइड भी बोलते हैं। 1 यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो एक्चुअली में दिस इज़ N2O, और इसमें अगर हम लोगों को इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है तो x की वैल्यू से आप निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, n को हम यहाँ पर x ले लेंगे, कितना है ये 2, और ऑक्सीजन की कितनी होती है -2। ओके, तो हो जाएगा ये हमारा 2x और -2 = 0, तो x इक्वल टू हो जाएगा 2/2, कितनी हो जाएगी +1। ओके, तो यहाँ पर N2O में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही है, +1 आ रही है। ओके, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इट इज़ प्रिपेयर्ड ऑन हीटिंग अमोनियम नाइट्रेट, तो अमोनियम नाइट्रेट को जब हम हीट करते हैं तो हम लोगों को मिल जाता है N2O, मीन्स नाइट्रस ऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल। तो ये इसकी प्रिपरेशन मेथड हो गई। इसके बाद इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी कैसी है, तो इट इज़ कलरलेस गैस, ये कलरलेस गैस होती है एंड न्यूट्रल इन नेचर। और इसका नेचर कैसा होता है, न्यूट्रल होता है, ना तो एसिडिक होती है ये और ना तो बेसिक। जबकि हम लोग को पता है कि जितने भी नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं दे ऑल आर एसिडिक इन नेचर, तो यहाँ पे एक्सेप्शन है कि ये हमारा नॉन मेटल का ही ऑक्साइड है, बट ये किस नेचर का है, न्यूट्रल। तो ये आप लोगों को याद रखना है। नाउ नेक्स्ट, इट इज़ ऑल्सो नोन एज नाइट्रोजन 1 ऑक्साइड, और इसको हम नाइट्रोजन 1 ऑक्साइड के इससे भी जान रहे हैं। 1 यहाँ पे मैंने बता दिया इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर अगर हम बनाएंगे तो ये 2 डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में मिलेगा,
हम लोगों को पता है कि नाइट्रोजन ग्रुप 15 का मेंबर है, तो इनके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होंगे, और इस 5 इलेक्ट्रॉन को हम इस तरह से डॉट के फॉर्म में दिखा रहे हैं। इस नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन को मैंने क्रॉस से दिखा रखा है, तो कुछ इस तरह से ये अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर रहे हैं। यहाँ पर भी देखो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, यहाँ पर इस उसका हम देखें तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, सभी के 5 5 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और यहाँ पर भी हम देखें तो नाइट्रोजन का 1 2 3 4 5। ओके, तो 2 2 कितना हो जाएगा आपका 4 5 6, और यहाँ पर भी हम देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इस नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। ओके, तो इसको आप लोग बनाइए। अच्छा, ये इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, लेकिन इस नाइट्रोजन का नहीं हो रहा है। मतलब कहीं पर ये स्ट्रक्चर रॉन्ग हुआ है। स्ट्रक्चर कहाँ रॉन्ग हुआ है कि जो लोन पेयर मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ ये यहाँ पर नहीं होंगे। जैसे ये इस नाइट्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, तो 1 2 3, और इसको मैं यहाँ पर करती हूँ 4 5, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड इससे बन रहा है, तो 1 2 3 4 5 5 इसका हो गया। अब इसका देखो, इस वाले नाइट्रोजन का डॉट से, तो 1 2 3, और यहाँ पे लोन पेयर। अब इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, 6 7 8, और इस नाइट्रोजन का हम देखें तो 4 बॉन्ड है, तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन इधर उधर हो गया, यहाँ पर भी वही सेम हो रहा है ना, ये वाले नाइट्रोजन का नहीं हो रहा, तो ये जो लोन पेयर हैं वो यहाँ नहीं रहेंगे। यहाँ पर क्या होगा, 1 2 3 4 एंड 5। ओके, अब इसका देखते हैं, तो 1 2 3 4 5, मतलब इस वाले नाइट्रोजन पे 2 लोन पेयर। तो अभी हम सभी का देखते हैं, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अच्छा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये इसका कंप्लीट हो रहा है। चलिए, इसको बना लीजिए अब आप लोग। इट इज ऑल्सो कलरलेस एंड न्यूट्रल गैस, न्यूट्रल इन नेचर। तो नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन 2 ऑक्साइड भी बोलते हैं, मीन्स इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो कितनी होगी, नाइट्रोजन की +2 होगी। इट इज़ कैसे इसको प्रिपेयर करेंगे, तो इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटमेंट ऑफ सोडियम नाइट्राइट विद फेरस सल्फेट इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो हम सोडियम नाइट्राइट को फेरस सल्फेट के साथ ट्रीट करेंगे, किसकी प्रेजेंस में, सल्फ्यूरिक एसिड की, जो कि बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये है हमारा सोडियम नाइट्राइट, मेटल है, तो पॉजिटिव नेगेटिव मेटल, पॉजिटिव नेगेटिव। यहाँ पर ये कैसे ब्रेक होता है, H+ and HSO4। तो सबसे पहले जो मेटल्स हैं वो सल्फेट के साथ कनेक्टेड हो जाएंगे, जो फेरस आयन है वो किस में चेंज हो जाएगा, फेरिक में। तो यहाँ पर देखो कि जो फेरस था वो फेरिक सल्फेट में चेंज हो गया, FeSO4 होल्थराइज हो गया, और इसके बाद जो सोडियम था उसने इस नेगेटिव के साथ एक सॉल्ट बना लिया है, और उसके साथ एक H+ भी आया है, सोडियम बाय सल्फेट, और लास्ट में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बच रहे हैं, उनसे क्या बनेगा हमारा, वाटर। और इसके अलावा अब जो नाइट्रोजन है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना रही है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, या हम इसको बोले नाइट्रिक ऑक्साइड, जिसमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही है, +2। कैसे आ रही है आप लोग देख सकते हैं, X -2 0, तो X=+2, क्लियर हो जा रहा है इससे। एंड इट इज ऑल्सो कलरलेस एंड न्यूट्रल, तो ये भी कलरलेस गैस है, और नेचर कैसा है इसका, न्यूट्रल। अब इसका स्ट्रक्चर हम लोग देख लेते हैं, तो एक्चुअली में इसके स्ट्रक्चर में हम लोगों को एक ऑड इलेक्ट्रॉन मिलने वाला है, और हम लोग को पता है कि किसी भी स्पीशीज में जिसमें कि चार्जेस होते हैं या ऑड इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो क्या होती है, अनस्टेबल। तो इस तरह की स्पीशीज जो NO है वो बहुत जल्दी ही अपने आप को स्टेबल करने के लिए
दूसरे एनो मॉलिक्यूल के साथ डाइमर फॉर्म करती है और फॉर्मेशन होती है N2O4 की। तो चलिए हम लोग पहले इसको आप नोट करिए, फिर मैं इसका स्ट्रक्चर बता देती हूँ। चलिए नोट करिए, तो ये आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है और इसके बाद इसका जो शेप होता है वो लीनियर होता है और जो इसकी बॉन्ड लेंथ होती है वो 115 पिकोमीटर होती है। ओके, तो नाइट्रिक ऑक्साइड का स्ट्रक्चर आप लोग देख रहे हैं, नाइट्रोजन 2 ऑक्साइड, इसमें इसकी ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, तो ये इसका स्ट्रक्चर है। इसमें एक ऑड इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक ऑड इलेक्ट्रॉन है इसमें, तो टू डिफरेंट रेजोनेटिंग फॉर्म में ये हम लोगों को मिल रहा है। एक फॉर्म इसका ये हो जाएगा जिसमें नाइट्रोजन के पास ये ऑड इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया 1, 2, 3, 4, 5 नाइट्रोजन के, और ये 6 किसके हैं हमारे ऑक्सीजन के। इसी तरह से यहाँ पर हम देखें तो इस वाले स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन के ऊपर एक ऑड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, दिस इज ऑड इलेक्ट्रॉन, और नाइट्रोजन के ऊपर ये है ऑड इलेक्ट्रॉन। ओके, तो इन स्पीशीज़ में ऑड इलेक्ट्रॉन होता है। तो मैंने आप लोग को अभी इसके पहले ही बताया कि जो ऑड इलेक्ट्रॉन वाली स्पीशीज़ होती है वो हाईली अनस्टेबल होती है, तो ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए डाइमर फॉर्म करते हैं और वो डाइमर है N2O2। तो किस तरह से ये कनेक्ट होंगे, तो होता क्या है कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन आपस में इस तरह से बॉन्ड फॉर्म करते हैं, ये ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 ओके, अब रह गया नाइट्रोजन, तो 1, 2, 3, 4, 5 इसको भी मैं क्रॉस से दिखा देती हूँ 1, 2, 3, 4, 5 तो अभी इस तरह से सभी का स्ट्रक्चर में, अगर मैं इस स्ट्रक्चर की बात करूँ तो सभी के जितने जो भी एटम्स हैं उनके ऑक्टेट कंप्लीट हो रहे हैं, ये इसका ऑक्टेट कंप्लीट, ये इसका ऑक्टेट, और यहाँ पर ये इसका इस नाइट्रोजन का और ये इस नाइट्रोजन का, तो इट इज़ अ डाइमर ऑफ एनओ। और शेप कैसा है इसका, लीनियर है, बॉन्ड लेंथ कितनी है 105 पिकोमीटर। ओके, तो इसको आप नोट करिए, फिर मैं थर्ड ऑक्साइड बताती हूँ आप लोग को नाइट्रोजन का। ये हो गया ये इसका प्रिपरेशन एंड इट इज ब्लू कलर सॉलिड एंड एसिडिक इन नेचर। तो हमारा थर्ड जो नाइट्रोजन का ऑक्साइड है उसका नेम है डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है N2O3। इसको हम नाइट्रोजन 3 ऑक्साइड भी बोलते हैं, मतलब इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 3 है। तो मैंने यहाँ पर x की वैल्यू से आप लोगों को यहाँ कैलकुलेट करके दिखा दिया है नाइट्रोजन का x कितना है, 2 है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन की कितनी होती है ऑक्सीडेशन नंबर -2 और कितना है ये 3 इक्वल टू 0, तो 2x, 3 × 2 = 6 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी +3, मतलब नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर +3 है। ओके, नाउ नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड देखते हैं। तो व्हेन नाइट्रिक ऑक्साइड इज ट्रीटेड विद डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड देन वी गेट डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड एट 250 केल्विन। तो 250 केल्विन पे अगर हम लोग टू डिफरेंट ऑक्साइड को ट्रीट करते हैं इतने टेम्परेचर पे, तो फॉर्मेशन होती है डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड की। कौन कौन सा लेना है हम लोगों को, नाइट्रिक ऑक्साइड, दिस इज नाइट्रिक ऑक्साइड एंड दिस इज डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। ओके, तो ये तो होगी प्रिपरेशन मेथड, इसका नेचर कैसा होता है, इसकी प्रॉपर्टी कैसी होती है। तो इट इज़ ब्लू कलर सॉलिड, ये ब्लू कलर का सॉलिड होता है एंड नेचर कैसा है इसका, तो एसिडिक होता है। अब बारी आती है स्ट्रक्चर की, तो पहले आप इसको नोट कर लें, फिर मैं इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर आप लोग को बता देती हूँ। ओके, तो आप पहले इसको नोट करें,
ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया। तो ये हो गया डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड का लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो चलिए हम लोग इसमें डॉट्स लगाते हैं। तो डॉट्स क्या होते हैं, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सबसे पहले हम लोग ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन जब भी डबल बॉन्ड से होता है इसका मतलब उसने अपने टू इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी हुई है। तो ये कुछ इस तरह से सिक्स, और यहाँ पर भी ये सिक्स इलेक्ट्रॉन, ये हो गया ऑक्सीजन के। जब भी ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से, इसका मतलब इसने एक भी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग नहीं की है। तो ये सारे के सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन इस तरह से हम इसको शो कर देंगे। ये हो गया हमारा ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन। अब नाइट्रोजन के फाइव इलेक्ट्रॉन, इसको मैं क्रॉस से दिखा रही हूँ, ये ओके। इसको मैं डॉट से दिखा देती हूँ, 1, 2, 3, 4 एंड 5 ओके। तो ये हो गया इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर, इसमें सभी के ऑक्टेट कंप्लीट हो रहे हैं। नाउ नेक्स्ट, इसको भी हम लोग उसी तरह से बना लेते हैं। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से है, मतलब इसने अपने दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रखी है। तो इस तरह से इसको बनाएंगे। यहाँ पर भी इसने अपने दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की है। सिंगल बॉन्ड मतलब किसी भी तरह का कोई इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं किया है। अब नाइट्रोजन के मैं यहाँ पर शो करती हूँ, 1, 2, 3, 4 एंड ये 5 ओके। नाउ इस वाले में हम देखते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 तो ये हो गया डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड का लुईस डॉट स्ट्रक्चर। यहाँ पर मैंने उसके एंगल्स डिफरेंट डिफरेंट बना रखे हैं, और तीनों जो बॉन्ड्स हैं एनो बॉन्ड, उनकी डिफरेंट डिफरेंट जो बॉन्ड लेंथ है वो भी लिख रखी है। जैसे यहाँ पर 114 पिकोमीटर है, यहाँ पर 121 पिकोमीटर एंड दिस इज 130 पिकोमीटर। बॉन्ड एंगल यहाँ का 117 डिग्री और यहाँ से यहाँ तक का 105 डिग्री है ओके। तो ये हो गया हम लोग का थर्ड नाइट्रोजन का ऑक्साइड, इसको नोट करें। फिर मैं आप लोगों को फोर्थ ऑक्साइड बताती हूँ नाइट्रोजन का। चलिए यहाँ इसका स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। इसमें भी एक ऑड इलेक्ट्रॉन सॉरी होता है, तो यहाँ पर ये भी डाइमर फॉर्म करते हैं, और बॉन्ड लेंथ जो इनकी होती है वो 120 पिकोमीटर होती है। तो चलिए देखते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, और इसको हम नाइट्रोजन फोर ऑक्साइड भी बोलते हैं। तो फोर यहाँ पर क्या होगी, आप लोग को पता चल चुका है, नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट से मैंने कैलकुलेट कर रखा है यहाँ। तो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस फोर है। प्रिपरेशन कैसे इसकी करेंगे हम, तो इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय डीकम्पोजिशन ऑफ मेटल नाइट्रेट। हम किसी भी मेटल नाइट्रेट को अगर डिकम्पोज करते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने लेड नाइट्रेट लिया है और उसको 673 केल्विन पर डिकम्पोज करूँगी, इट इज़ पायरोलिसिस। को पायरोलिसिस भी बोलते हैं कि हीटिंग मेथड से अगर हम किसी को डिकम्पोज करके कोई कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं तो इट इज़ कॉल्ड पायरोलिसिस। तो यहाँ पर ये डिकम्पोज होके लेड ऑक्साइड दे रहा है और नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड एंड ऑक्सीजन की प्रिपरेशन कर रहा है ओके। तो ये कैसा होता है, तो इट इज़ ब्राउन कलर गैस एंड एसिडिक इन नेचर, और इसका नेचर एसिडिक होता है, कलर इसका ब्राउन होता है। स्ट्रक्चर मैंने यहाँ बना रखा है, और आप इस स्ट्रक्चर में देखेंगे कि इसमें एक ऑड इलेक्ट्रॉन होगा। तो जैसे कि मैं यहाँ पर बना रही हूँ, डबल बॉन्ड है तो इसका मतलब है कि ऑक्सीजन ने अपने दो इलेक्ट्रॉन शेयर किए हुए हैं, ये हो गया ऑक्सीजन का। सिंगल बॉन्ड है मतलब इसने अपने एक भी इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं किए हैं, ये क्रॉस से मैं इसको दिखा रही हूँ, फोर इलेक्ट्रॉन हो गए, ये एक ऑड इलेक्ट्रॉन है, दिस इज ऑड इलेक्ट्रॉन, दिस इज ऑड इलेक्ट्रॉन। वैसा ही बिल्कुल यहाँ पर भी हो जाएगा। चलिए यहाँ पर सिंगल बॉन्ड से है तो इसने किसी तरह का कोई शेयरिंग नहीं कर रखी ऑक्सीजन ने, और यहाँ पर डबल बॉन्ड से बॉन्डेड है मतलब इसने अपने दो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग की है, और ये कुछ इस तरह से, दिस इज़ ऑड इलेक्ट्रॉन।
ठीक है। तो ये भी ये इन ऑड इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करेंगे, डाइमर फॉर्म, क्योंकि ये अनस्टेबल है, तो स्टेबल होने के लिए नाइट्रोजन के दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करके N2O4 जो कि नाइट्रोजन का एक ऑक्साइड है जिसको भी हम लोग को स्टडी करना है वो फॉर्म करता है। यहाँ पे मैंने नाइट्रोजन में जो NO2 का बॉन्ड एंगल है वो बता रखा है और इसकी बॉन्ड लेंथ लिख रखी है। ओके, तो किस तरह से ये शेयर करेंगे, चलिए मैं यहाँ बता देती हूँ कि ये जो दो इलेक्ट्रॉन हैं नाइट्रोजन के, ये शेयर कर लिए आप ये इस तरह से, तो ये भी हम लोग को स्टडी करना है। तो इट इज़ अ डाइमर ऑफ NO2। ओके, चलिए आप इसको नोट करिए, फिर मैं नेक्स्ट ऑक्साइड बताती हूँ। तो N2O4 में ऑक्सीडेशन नंबर इसकी 4 हो जाएगी, आप लोग x की वैल्यू से कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ द स्ट्रक्चर, इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये हो जाएगा, अब इसका हम लोग बॉन्ड एंगल देख लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक का 175 पिकोमीटर, दो नाइट्रोजन के बीच का जो डिस्टेंस है वो 175 है और नाइट्रोजन से ऑक्सीजन तक का 121 पिकोमीटर है। और बॉन्ड एंगल हम बात करें तो NO2 के बीच में 135 डिग्री का आ रहा है। ओके, तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चर, बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ। तो चलिए देखते हैं, डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड N2O4 या नाइट्रोजन 4 ऑक्साइड, इट इज़ डाइमर ऑफ NO2। तो मैं ये अभी बता ही चुकी हूँ आप लोगों को, ये NO2 में एक लोन पेयर होता है नाइट्रोजन के पास, तो दो NO2 आपस में बॉन्ड फॉर्म करके डाइमर बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड N2O4। तो विच फॉर्म ऑन कूलिंग ऑफ NO2, तो इसको हम कैसे फॉर्म करेंगे, NO2 को हम अगर कूल करते हैं तो वो डाइमर फॉर्म करते हैं, आपस में बॉन्डेड हो जाते हैं और N2O4 डाइनाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड हम लोगों को मिल जाता है। अगर हीट कर दें तो वापस से हमको फिर NO2 मिल जाता है। ओके, तो इट इज़ कलरलेस, ये कलरलेस सॉलिड है या फिर कैसे स्टेट में मिलेगा हमको, लिक्विड। तो या तो ये सॉलिड स्टेट में मिलेगा या लिक्विड स्टेट, दोनों ही स्टेट में हमको मिलता है। एंड इसका नेचर कैसा होगा, तो एसिडिक। स्ट्रक्चर यहाँ पर मैंने बता रखा है, तो आप लोगों को फिर से मैं एक बार बता दूँ कि डबल बॉन्ड बनाया हुआ है तो शेयरिंग होगी, सिंगल है तो नो शेयरिंग, शेयरिंग नो शेयरिंग, इसको क्रॉस से दिखाते हैं, हो गया 5, इसको डॉट से दिखाती हूँ मैं, कुछ बड़े डॉट्स, 2, 3, 4 एंड 5। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर भी हम चलेंगे, तो पहले ऑक्सीजन का आप लोग बना लेंगे, शेयरिंग है तो इस तरह से, और यहाँ पे भी शेयरिंग है तो कुछ इस तरह से, और यहाँ पे कोई शेयरिंग नहीं है तो हम इसके लोन पेयर को पूरा ऐसे ही दिखा दें। चलो अब नाइट्रोजन के बना लेते हैं हम लोग, 4 हो गया, 5, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो ये हो गया हमारा डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। एक और ऑक्साइड रह गया है तो इसको आप नोट करिए, फिर मैं उसको बता देती हूँ, N2O5 और 4 मोल HBO3। चलिए इसका स्ट्रक्चर भी देखते हैं, तो इसका जो स्ट्रक्चर है बिल्कुल वाटर की तरह होता है, तो अगर मैं वाटर का स्ट्रक्चर बनाऊं तो कुछ इस तरह से, आप लोगों ने देखा होगा कि दो लोन पेयर होते हैं और हाइड्रोजन, तो यहाँ पर हाइड्रोजन की जगह सिर्फ NO2 लगा देना है हम लोगों को, तो N2O5 का स्ट्रक्चर बन जाएगा। ओके, जस्ट लाइक दिस, ये हो गया। अब कितने हमको ऑक्सीजन चाहिए, तो 4, तो ये कुछ इस तरह से अरेंज हो जाएंगे, और इसी का मैं एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना देती हूँ,
दिस टाइप। अभी एक डबल बॉन्ड को मैं इधर रखती हूँ और एक को यहाँ नीचे कर देती हूँ। तो ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया N2O5 का। तो चलिए देखते हैं कि ये क्या है, कैसी है। तो इट इज़ कलरलेस गैस एंड एसिडिक इन नेचर। तो ये कलरलेस गैस है जिसका नेचर एसिडिक है। इट इज़ नोन एज नाइट्रोजन 5 ऑक्साइड। मतलब यहाँ पर जो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी होगी, 5। तो आप x की वैल्यू से भी निकाल सकते हो, जिससे हमने यहाँ पे किया। एक ऑक्सीजन की कितनी होती है, -2, तो इंटू 5 कर दो, तो 5 × 2 जा कितना हो जाएगा, 10। तो नाइट्रोजन का क्या आएगा, +10। तो एक नाइट्रोजन की कितनी हो जाएगी, +5। ओके, नाउ प्रिपरेशन मेथड देखते हैं कि कैसे हम इसको प्रिपेयर करेंगे। तो व्हेन नाइट्रिक एसिड इज ट्रीटेड विद P4O10, तो ये क्या है, इट इज़ अ डाइमर ऑफ फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड, देन वी गेट N2O5। ओके, सॉरी। तो दो चीज़ें हम लोग को लेना है, P4O10 एंड नाइट्रिक एसिड। ये दोनों रिएक्ट करके नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड और HPO3 फॉर्म करती हैं। नाउ स्ट्रक्चर मैंने क्या बताया था, इट जस्ट लाइक वाटर। वाटर का ये स्ट्रक्चर है जिसमें ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है और ये 2 हाइड्रोजन। ये 2 हाइड्रोजन की जगह सिर्फ 2 NO2 लगा देना है हम लोगों को और फॉर्मेशन हो जाएगी N2O5 की। ठीक है, अब इसके लूज डॉट आप लोग खुद भी बना सकते हैं, क्योंकि मैंने आप लोग को बता रखा है जहाँ जहाँ पर भी डबल बॉन्ड होंगे वहाँ पे ऑक्सीजन ने शेयरिंग की हुई है, और जहाँ पे सिंगल बॉन्ड है मतलब किसी तरह की कोई शेयरिंग नहीं हुई है, दोनों इलेक्ट्रॉन किसके होंगे, नाइट्रोजन के। तो ये आप खुद भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ये हो गया हम लोग का फिनिश। अब इसमें एक पोर्शन हम लोगों का नाइट्रोजन का और रह गया, उसके ऑक्सो एसिड, तो उसको भी मैं तुरंत करा देती हूँ, उसके बाद इस वीडियो को हम लोग ओवर करेंगे क्योंकि टाइम भी बहुत हो रहा है। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, परोक्सी नाइट्रिक एसिड। चलिए इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं हम लोग, परोक्सी लिंकेज। तो दिस इज परोक्सी लिंकेज। तो ये हो गए हमारे नाइट्रोजन के ऑक्सो एसिड, जिसमें सबसे पहला जो है वो हाइपोनाइट्रस एसिड है, ये इसका स्ट्रक्चर है। और इसमें आप लोग, मुझे पता है कि आराम से इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसके डॉट्स आप लगा सकते हैं। नाउ HNO2 इज़ अ नाइट्रस एसिड, दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रस एसिड। एंड नेक्स्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नाइट्रिक एसिड HNO3 का स्ट्रक्चर है ये। दिस इज़ कोऑर्डिनेट, मतलब यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं बॉन्ड में जो पार्टिसिपेट किए हैं वो किसके होंगे, नाइट्रोजन के। तो नाइट्रोजन इज अ डोनर एंड ऑक्सीजन इज अ एक्सेप्टर। HNO4 परोक्सी नाइट्रिक एसिड, नेम से ही समझ में आ रहा है कि इसमें एक परोक्साइड लिंकेज होगा, तो दिस इज द परोक्सी लिंकेज। ओके, यहाँ पे इन दोनों का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या होगा, 0 होगा, मतलब आपस में लिंक के लिए। यहाँ पर इसके लिए क्या होगा, +1 एंड -1। तो एक ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर -1 होगी, क्योंकि दूसरा ये ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड है, तो वो उससे तो कोई इलेक्ट्रॉन ना तो देगा ना लेगा। तो ये हो गया परोक्सी लिंकेज, और दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ HNO4 परोक्सी नाइट्रिक एसिड। तो इसी के साथ हमारा जो नाइट्रोजन का नाइट्रिक एसिड वाला पार्ट है और उसके ऑक्साइड वाले पार्ट हैं, हाइड्राइड हम लोगों ने पढ़ा, दे ऑल आर ओवर। ओके, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को फॉस्फोरस के टाइप्स, उसके एलोट्रॉप्स, उसके प्रिपरेशन मेथड, उसके कंपाउंड्स वगैरह के बारे में बताऊंगी। और बस इसके बाद हम लोगों को पी ब्लॉक में कुछ भी स्टडी नहीं करना है। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग का हो सकता है कि पी ब्लॉक क्लास 12th का लास्ट वीडियो हो। तो तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।